कौन हो तुम और क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे रजा से मिलना था। रजा से क्यों मिलना था तुम्हें? मुझे इन्होंने बुलाया है, आप चाहे तो बेशक पूछ लें। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा, उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम सब कुछ छोड़कर यहां चली आई? डैड, मैं इसको नहीं जानता। मुझे नहीं पता ये यहां क्यों आई है। श्रजाई, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आएंगे। मुझसे शादी करेंगे आप? बताएं हम सबको। क्या मेरा बेटा तुम जैसी लड़की से शादी का वादा क्यों करेगा? ऐसी लड़की जो खुद चल के हमारी दहलीज तक आई है? तुम्हारे बेटे ने कोई आस तो दिलाई होगी ना इसको, वरना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ तक क्यों आती? छत, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भी एरी हरी लड़की आके ये बातें करेगी तो क्या हमारा बेटा हर लड़की से शादी करने का? व्हाट आर यू सेइंग? मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। डैड, दिलावर की कजन है ये, उसकी शादी में मिली थी मुझे, मैं इसको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। इसके घर वाले इसकी शादी किसी साइको के साथ कर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। चाहती है मैं इसका सहारा बनूं। मैं पीछे पड़ी थी रजा? मैं पड़ी थी तो वो सब कुछ क्या था जो आपने मेरी अम्मी से बोला? वो मैंने कर्टसी में बोला था। मैं बस उनको समझा रहा था कि ऐसे नहीं करते, कि लड़कियों पे इस तरह का जुल्म नहीं करते। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं अंदर किसने आने दिया? जब तुम घर का एड्रेस मुफ्त का माल समझकर तकसीम करते रहोगे तो लड़कियां तो आएंगी घर पे। दैट एड्रेस कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी मिल सकता है हमारे घर का एड्रेस। इनफैक्ट शहर के बड़े आदमी हैं, हर किसी को पता है आप कहाँ रहते हैं। ये झूठ बोल रही है। डैड, ये शी इज नॉट माई टाइप। मैं को लगता कि मैं इसको पसंद करूंगा। अगर मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े थे? बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, मेरे ही घर आकर मेरे पेरेंट्स के सामने जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी सुनाओगी और हम सब मान लेंगे? मॉम, डैड, मैं इसको नहीं जानता, ये झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आओ, बैठ कर बात करते हैं। अब हरगिज़ नहीं, क्या कर रही हो? मैं इस लड़की को अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम उसे बैठे को कह रही हो? गेट दिस लायर आउट ऑफ माई हाउस, चलो निकलो मेरे घर से। क्या समझ रही हो, यहाँ आके मेरे बेटे को फंसा के उसकी जायदाद लोगी? नॉट हैपनिंग। मॉम प्लीज, आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे। एक दफा उसकी बात तो सुन ले, वो इतनी दूर से आई है। क्यों, बात क्यों सुनो? मुझे अपने बेटे में पूरा भरोसा है। I have nothing to listen to here. और मैं आप लोगों की परमिशन के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। और तुम जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर छोड़ सकती हैं, तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। असद, प्लीज ऐसा मत कर।
प्लीज। तुम जैसी लड़की के मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता, इसलिए चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालेंगे। समझ आया? सुन लिया, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर है कि तुम चली जाओ यहाँ से चुपचाप करके। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, डेट बनी यहाँ खड़ी हो। इज्जत के साथ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो गार्ड्स को बुला के धक्के मार के निकलवाएंगे तुम्हें। रजा, रजा क्या कर रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। देखो लड़की, ये मेरा घर है, ये सराय नहीं कि जिसका जी चाहे वो मुंह उठाकर इजाजत के बगैर यहाँ पे आ जाए। अपने घर से निकलते हुए तो शायद तुमने ना सोचा हो, लेकिन मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही थी। अमजद खान राह चलती लड़कियों के साथ रिश्ते नहीं बनाया करता। अपने बाप की इज्जत तो तुमने नहीं रखी, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। चले जाओ यहां।